हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर। और ये आदमी हमारी मौसी है। मैं ग्वालियर आया था इस बंदर को आईफोन दिलवाने के लिए। और ये देखो, इस लड़की को तुम लोग जानते होंगे। फेस रिवील, तन्नू का फेस रिवील जल्दी। ये देखो, ये लड़की है। ये डरा देगी किसी को। रात को घर से बाहर मत निकल जाइए गलती से। उस दिन कह रहे थे उनसे कि पूरी खाने आएंगे, अम्बा से पूरी खाने। और ये तुम मुरैना से क्या करने आए हो? मार भी नहीं सकती खाना खाते में। गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मुझे पता है आपने मुझे इतने दिन बहुत याद किया। ये बता भी जान के पास तो याद नहीं किया होगा मेरी पब्लिक ने मुझे। तुम कौन हो? इस इंसान ने हड़प लिया है मेरा चैनल, लेकिन मैं वापस ले लूंगी जल्दी। ये मुरैना से आके खाना क्यों? वो क्या है कि मुरैना में हमने 3 दिन से आटा नहीं पिसाया था, तो हमारी मम्मी ने हमको मारा। हम फिर निकला ग्वालियर की तरफ। हमें यहाँ से एक आईफोन भी लेना था और खाना भी खाना था। अरे भैया, अगर रही बात आटे की तो हम कल जाके पिसाएंगे। गाइस, रियल बात ये है कि मैं आज बिना खाना खाए निकल आया था घर से, इसलिए मैं यहाँ पर मौसी के यहाँ पर रुक गया। पैर भी वीडियो बना के। अरे वो शॉर्ट वीडियो के लिए था। जब पैर छुए तो वीडियो भी बना डालू। काम ये था ग्वालियर में। हम लोग आए थे आईफोन लेने। किसके लिए? इस चेहरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये रही अपनी गाड़ी और इस बंदे को आईफोन दिलवाने के लिए मैं आया था ग्वालियर। क्यों चिल्ला रही है लड़की? तो बॉयस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मौसी के घर से मार्केट की तरफ, क्योंकि आईफोन जो हमें लेना है, पहले हम यूज्ड आईफोन देखेंगे। अगर यूज्ड पसंद नहीं आएगा तो फिर हम नया आईफोन लेंगे। तो अभी तो हम ग्वालियर की सड़कों पे यूं ही भटक रहे हैं। मेरे पीछे दो बंदर बैठे हैं। ना ही हमारे पास गाड़ी के कागज हैं, ना ही गाड़ी पर नंबर प्लेट है, और ना ही हमारे पास हेलमेट है। अगर पकड़े गए तो 2-4 लाख का चालान होगा, और चालान में हमें गाड़ी, आईफोन और अपने कपड़े उतार के सब कुछ यही रखने पड़ेंगे। ग्वालियर मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं मोबाइल के लिए, इस बंदर के लिए। और इस बंदर ने अभी 12 देखा था, जो कि इसको पसंद नहीं आया। 36,000 रुपए के समथिंग सेकंड हैंड था। अभी देखते हैं, पहले सेकंड हैंड पसंद करते हैं, उसके बाद फिर नया देखेंगे। क्रोमा से ले लेंगे फिर इसके लिए। बाकी अभी हम आ चुके हैं मोबाइल मार्केट में, एस के वाले पे देखें। डिसाइड हुआ है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि नया ही सेट उठाएंगे, क्योंकि पुराने वाले जो थे उनमें थोड़े बहुत डेंट थे, वो इसको पसंद नहीं आ रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीवी मॉल, तो वहाँ से नया आईफोन निकाल के आते हैं। ना ला रहा, वो मेरी कसम है। ना नहीं चलाया तो मैं लूंगा, तू निकाल ला बस। अभी इसको नया आईफोन दिलाऊंगा, मस्त रील वील शूट करेंगे। आशी सर, पैसे ये रहे, ये रही गड्डी, ये रही पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। और ये दोनों मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, साले कमीने। एलिवेटर चल रहा है लेकिन इन लोगों को ज्यादा जल्दी है। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? बच गए कितने से। अभी इन लोगों ने ये नहीं डिसाइड किया कि एप्पल से लेना है या क्रोमा से लेना है। अभी हम लोगों ने लेना है आईफोन 12 मिनी। हम वही नहीं देखने, तो कहाँ है 12 है ये मिनी? कहाँ है भैया 12 मिनी है? नहीं, बेचारे की उम्मीद पे पानी फिर चुका है। 12 मिनी कंपनी की तरफ से ही बंद कर दिया गया है, और 12 थोड़ा महंगा पड़ रहा था क्योंकि 128 मॉडल था। अभी हम लोग जा रहे हैं क्रोमा पे, और क्रोमा पे भी चेक करके आते हैं क्रोमा पे मिलता है कि नहीं मिलता। एलिवेटर क्रोमा नहीं होगा यार, ऊपर क्रोमा इसी फोर्ट पे होगा। बच के मैं तुझे पकड़ लेता हूँ, चिंता मत कर। क्रिसमस को जाए हुए 6 दिन हो चुके हैं, ये अभी तक नहीं हटाया। बहुत आलसी है ये लोग। और अभी आप लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि हिमांशु का द्वारा ब्रेकअप हो चुका है। एक बार पेचअप भी हो गया द्वारा से, और फिर द्वारा ब्रेकअप हो गया, इसीलिए तो उसको जलाने के लिए आईफोन ले रहा है। पेड़ को मैं निकाल के ले जाऊंगा और अपने बगीचे में लगाऊंगा। यो हो, गरीब आदमी लिफ्ट में जाएगा, गरीब आदमी। माल माल माल, रियलिटी में माल रखा है। देखो भाई, ये गड्डियां चमक रही होंगी, गड्डियां, ये गड्डियां इस आदमी की, इस आदमी की है। क्या कह रहे हो, चड्डियां उतार के दिखा। ऐसे काम नहीं, ऐसे काम नहीं कर भाई। मेरा ड्रीम फोन ही रहा, कैमरा देख लो इसका एक बार भाई। कसम, क्या तगड़ी क्वालिटी है यार इसकी। 2 लाख का फोन है भाई, 2 लाख का। फोटो क्या खींचेगा उसका यार। मेरा ड्रीम फोन है, मैं इसको लूंगा जरूर। एक नंबर फोन है यार, सैमसंग S22 अल्ट्रा। इसका तुझे पता है सबसे अच्छी चीज बताऊं, कैमरा देख। हाँ, 100x जूम, देख देख सामने ये है, देख भाई 100x। नहीं फटने जरूर लगता है, लेकिन बाद में पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर देता है ये। और ये पता है, ये फोन और ये फोन, ये दोनों 1,50,000 से ज्यादा के हैं।
भाई आईफोन 12 में नहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बंद हो चुका है और क्रोमा पे भी नहीं मिला। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर की मार्केट से ले लेते हैं। अभी हमने एक से बात भी की थी, वो कि 38,500 के समथिंग दे रहा था, तो वहीं से लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत कन्विंस करेंगे उसको। 37,500 के समथिंग फ्लिपकार्ट से आ रहा था, फिर हम एक दो दिन का वेट कर लेंगे, फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, सिंपल सी बात है। और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारा से बाड़े पे, ग्वालियर बाड़ा। यार मेरे को एक सुपर बाइक दिला दो फिर, तो मैं सही बता रहा हूँ, शहर में बस एक ही चीज निकले करेगी, अपनी सुपर बाइक जलवा कर दूंगा जलवा। सामने से क्या बढ़िया वाला सनसेट हो रहा है। आगे ट्रैकिंग लगी है, हम ट्रैक्टर की साइड से निकल रहे हैं, बच जाएंगे शायद, बच गए। और वाइस पता है एक और सीन होने वाला है, जो मेरा अभी आईफोन 13 मैंने लिया था, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ आईफोन 13 प्रो से। और बाकी इसमें जो मेरे फोन था वो बिल्कुल न्यू है, तो अच्छे पैसों में बिक जाएगा। और उनसे मैं फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट और करके मैं लैपटॉप ले लूंगा, जिससे एडिटिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी कर लूंगा, क्योंकि एडिटिंग में अभी मजे नहीं आ रहे। मोबाइल से एडिट करता हूँ, मोबाइल से शूट करता हूँ, तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है। फाइनली ये फोन डिसाइड हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है। और ये कितने का पड़ा है, कितने का है भाई साहब? ये किडनी विडनी जगह पे है, 20 गिल्लो आराम से। बाकी फोन पे कर रहे हैं, बन नहीं है, बन नहीं, चिंता मत कर, उतार दे इसके कपड़े। हाँ हाँ आए गए मजे, मजा। थोड़े बहुत पैसे और खर्च करते हैं, इनके ग्लास कवर वही लेके चल रहे हैं इसमें देखा ये भाई यार ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा बच्चा सा मेरे हाथ में, मस्त कंफर्टेबली आ रहा है। जब पहला फोन लिया था तब इतनी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन अभी सेकंड वाले पर कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है भाई साहब आईफोन यूजर बन के, मजे आ गए? अभी इसके मोबाइल में हम लोग कवर वगैरह डलवा रहे हैं और उसके बाद निकलते हैं मुरैना की तरफ। फोन लेके अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, 7 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, चेकिंग ना मिल जाए, बस हम 3 लोग बैठे हैं, वो भी बाइक पे बिना हेलमेट बिना कागज और बिना गाड़ी पे नंबर प्लेट के। घर और पहुंचना है अभी, पता है कल का जो डिसाइड हुआ था हम लोगों का ओरछा का, तो ये और हिमांशु तो मना कर रहे हैं ओरछा जाने की, लेकिन मेरी दूसरी टीम तैयार है, तो मैं उनके साथ शायद ओरछा निकलूं। तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, 3 बजे की ट्रेन है रात की। मैं घर पर पहुंच चुका हूं और मोटा आदमी फिर से चिल्लाने की, वही पुरानी मोटे आदमी की। और मोटे आदमी को नहीं जानते हो तो तुम लोग शॉर्ट्स वीडियो देखा करो, उसमें बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं आजकल लोगों को, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। और मोटा आदमी फोन मांग रहा है तो मैं फोन दे देता हूं। आई होप आप लोगों के ब्लॉग पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।